गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। क्लास सिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे किंग्स किंगडम्स एंड द अर्ली रिपब्लिक और इसका फाइनल पार्ट है। तो चलिए करते हैं चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या परिवर्तन हुए थे उस ज़माने में। देयर वर टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एग्रीकल्चर इन एंशियंट इंडिया। जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। देखते हैं पहला चेंज क्या हुआ था। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट चेंज इंक्लूडेड द यूजेस ऑफ द प्लफ शेयर्स। सबसे पहला चेंज क्या हुआ, किस चीज़ का यूज़ करने लग गए। प्लफ मतलब हल का, ठीक है। अ वुडन प्लफ शेयर, प्लफ शेयर वॉज यूज टू टर्न ओवर द हैवी क्ले सॉइल सॉइल ईजिली। जो भारी मिट्टी होती है, क्ले चिकनी मिट्टी होती है, उसे आराम से जो है हल जो है एक जगह मूव कर सकता है या खोद सकता है। मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस थ्रू द दिस। इसके थ्रू ज़्यादा अनाज का उत्पादन होने लग गया। द सेकेंड मेजर चेंज वॉज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑफ पैडी, यानी जो धान है उसका ट्रांसप्लांटेशन होने लग गया, यानी कि धान गढ़ने लग गए, ठीक है। सैपलिंग्स वेयर ग्रोन एंड प्लांटेड इन द फील्ड्स थ्रू दिस मेथड, यानी कि धान की पौध होने लग गई और फिर उसका प्लांटेशन होने लग गया। पैडी ट्रांसप्लांटेशन लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इसके थ्रू क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, ठीक है। एक एक पौधा जब आप लगाते हो तो डिस्टेंस भी मेंटेन करते हो, प्लस उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो द स्लेव मैन एंड वुमेन, दास एंड दासीस कहते थे पहले, ठीक है। भारत में भी ये भी गुलाम प्रथा थी। भारत में जो दास प्रथा थी ये बड़ी बुरी प्रथा थी जो अंग्रेज़ों ने हटाई थी, दास प्रथा। दास एंड दासी, द स्लेव मैन एंड वुमेन यूज टू डू दिस वर्क, इस कार्य को करते थे एंशियंट भारत में, पुराने भारत। अ क्लोजर लुक ऑफ मगध, मगध आपको मैंने कल पढ़ाया था मैप के थ्रू। देखते हैं मगध का एक क्लोजर लुक देखते हैं। अबाउट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले, मगध वाज द मोस्ट क्रूशियल महाजनपद। सबसे क्रूशियल, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थी मगध, ठीक है, 200 साल पहले। नंबरस रिवर, बहुत सारी नदियाँ लाइक गंगा एंड द सन फ्लोट थ्रू इट, ठीक है, इसके थ्रू बहती थी, इसके पास से बहती थी, सॉरी। द रिवर्स वेर एजेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन वाटर सप्लाईज टू द सिटीज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। रिवर्स किस लिए इंपॉर्टेंट, एजेंशियल होती हैं, किस लिए आवश्यक होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, और वाटर सप्लाई टू द सिटी, शहरों के लिए जो पानी की सप्लाई होती है, एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द मगधा वेर ऑल्सो फॉरेस्टेड, कुछ मगध का पार्ट क्या था, जंगल में, जंगल भी था कुछ मगध के पार्ट में। एंड एलिफेंट्स दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट वेयर कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। वहाँ से जो है हाथियों को पकड़ा जाता था और सेना में शामिल किया जाता था उन्हें ट्रेंड करके। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। फॉरेस्ट जो है होता है लकड़ी भी प्रोवाइड करती थी जिससे के थ्रू घर बनते थे, कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ बनती थी, एंड चैरियट्स बाय द पीपल। आयरन ओर माइंस, यानी कि लोहे की जो खदानें थी, वेर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एरिया विच वेर यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन, जिसके थ्रू जो है लोहा निकाला जाता था। आयरन वाज यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स, बहुत कठोर जो होते हैं टूल्स, यानी कि औजार बनाए जाते हैं, जाते थे आयरन से, यानी लोहे से। एंड वेपन्स, ठीक है, लड़ाई के हथियार बाई टैपिंग इन द मगधा, और आयरन की टैपिंग कहाँ होती थी, मगधा में। द टू वेरी पावरफुल लीडर्स ऑफ द मगधा वेर भीमसरा, ठीक है, भीम बिसारा एंड द अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, हु यूज्ड ऑल मीन्स टू कॉन्क्यूर द अदर जनपद, जो सभी जो जनपदों पर प्रभाव डालने के लिए कुछ भी करती थी, ठीक है। अनदर एजेंसियल रूलर वाज महाजनपदा नंदा हु एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल टू द नॉर्थ वेस्ट। नंदा ने जो है अपनी कंट्रोल जो है नॉर्थ वेस्ट पे जो है अपनी कंट्रोल जो है स्थापित की, अपना साम्राज्य। नेक्स्ट है राजगृह इन बिहार, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। राजगृह इन बिहार वाज मगधास कैपिटल, मगध की कैपिटल पूछी जाती है तो आप बता सकते हो राजगृह थी मगध की कैपिटल जो कि बिहार में है। पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना, जो जिस नाम से जिसको जाना जाता है, वाज कंसिडर्ड द कैपिटल ऑफ द मगधा इन लेटर ईयर्स, बाद में जो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। मोर देन 2300 ईयर्स अगो यूरोपियन एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट रीच्ड द इंडियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अलेक्जेंडर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास पहुंचा था, ठीक है,
कॉन्क्वर इट स्टिल हिज सोल्जर्स रिफ्यूज ड्यू टू यूज ऑफ वास्ट, तो उनके सोल्जर ने क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था वहाँ भारत में जाने के लिए। आगे चलते हैं, ए क्लोजर लुक ऑफ वज्जी, वज्जी का एक क्लोजर लुक देखते हैं। ऑल दो मगधा बिकेम अ पावरफुल किंगडम इन एंशेंट इंडिया, वज्जी वॉज अ डिफरेंट किंगडम ऑफ इम्पोर्टेंस इन द सब कॉन्टिनेंट। हालांकि मगध भी पावरफुल कॉन्टिनेंट बन गया था, लेकिन वज्जी का एक अपना इंपॉर्टेंस है इस उपमहाद्वीप में। भारत एक उपमहाद्वीप है ना, सब कॉन्टिनेंट है। वज्जीज कैपिटल वाज वैशाली, वज्जी की कैपिटल वैशाली है जो कि अभी आधुनिक बिहार में है। एंड वाज रूल्ड बाय द गाना और संघा, जो कि गाना या फिर जैसे संघा के नाम से जाने जाता था, उसके थ्रू जो है वो रूल होती थी। इन गाना और संघा देयर वाज नॉट एनी वन रूलर, इंस्टीड देयर वेर मेनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर थे केवल इन दो रूलर को छोड़ के। इवन वेन थाउजेंड ऑफ मैन रूल्ड टेरिटरी टूगेदर, इच वॉज कॉल्ड अ राजा, यानी बहुत हजारों लोग एक टेरिटरी पर रूल करते थे, प्रत्येक को क्या कहते थे, राजा कहते थे उस टाइम पे। दे परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, एक साथ प्रथाएं जो पौराणिक प्रथाएं होती थी वे एक साथ करते थे। मीट इन असेंबलीज, असेंबली मतलब सभाएं करते थे। एंड डिस्कस एंड डिबेटेड व्हाट हैड टू बी डन, और डिस्कस करते थे और डिबेट करते थे, वार्तालाप करते थे कि क्या किया जाए। हाउ एवर वुमेन और दासा और कामकार्स वेर नॉट अलाउड इन द असेंबलीज, जो महिलाएं थीं और जो दास थे और जो काम करने वाले जो घरेलू नौकर थे, उन्हें जो है असेंबली में आने नहीं दिया जाता था। ठीक है, आगे है, बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू दीज गानास और संघास, ठीक है, यहीं से बिलोंग करते हैं। अभी जो मैंने बताया, बुद्धिस्ट बुक्स कॉन्टेन द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास, बुद्धिस्ट की बुक में संघास की लाइफ के का डिस्क्रिप्शन मिलता है। द संघास वेयर ट्राइड टू बी कंकर्ड बाई द राजास ऑफ पावरफुल किंगडम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द संघास वेयर ट्राइड टू बी कंकर्ड बाई द राजास ऑफ पावरफुल किंगडम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो संघास के बारे में मैंने बताया, कैसे प्रभाव डाला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत एक उपमहाद्वीप है उस पर किस तरह से इन्होंने प्रभाव डाला। डिस्पाइट दैट द संघास लास्टेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 15 years अगो, 1500 साल पहले, द लास्ट ऑफ द गानास वेयर द कॉन्क्रूड बाई द गुप्तास, अंतिम जो शासक था वो क्या थे, गुप्त थे ये शासन के। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये यहाँ तक आप कर लेना, थैंक यू वेरी मच, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका। आपको मैं क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ।